Yo, what is going on guys, welcome back to the channel to a brand new video. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द न्यू अपकमिंग वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट एंड आपको कौन से कैरेक्टर्स एंड वेपन्स प्रिपेयर करके रखना है इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट दैट वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट ऑन डे वन जब वो आएगा. मैं आपको सभी कैरेक्टर्स बताने वाला हूँ, तो फ्री टू प्ले पे टू विन सभी कान खोल के सुनना एंड प्रिपेयर दिस कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन आपके पास कितने एडवांसमेंट में वो कैरेक्टर है. रिगार्डलेस ऑफ इनमें से अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टर होंगे देन इट विल बी अ वेरी गुड बेनिफिट टू यू एंड आप बहुत ही ईजिली डे वन वर्कशॉप ऑफ ब्रिलियंट लाइट नॉर्मल और इवन ईजी एंड नॉर्मल मोड कर सकते हो. हार्ड मोड अभी नहीं आ रहा है, हार्ड मोड फ्यूचर में आएगा तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. बट स्टिल वॉबल विल बी वेरी टफ नॉर्मल मोड ऑन डे वन, ये मैं बता दे रहा हूँ पहले ही. लाइक लिटरली दे हैव सेड कि अगर आप फर्स्ट डे क्लियर कर देते हो देन यू आर अमंग्स द 10% पीपल इन द होल प्लेयर बेस विच इज वेरी नीश कैटेगरी. तो लिटरली अगर आपको टॉप 10% में आना है देन दिस वीडियो इज द की टू दैट. बट बिफोर वी स्टार्ट भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना फॉर सच इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज के लिए. तो चलिए चलते बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे संग जिन वू के बारे में. आपको संग जिन वू को कैसे बिल्ड करना है, क्या चाहिए आपको इन ऑर्डर टू डिफीट डीमन किंग बैरन द डे ही कम्स, यानी कि डे वन पे. तो सबसे पहले बात करेंगे हम ब्लेसिंग स्टोन्स के बारे में. तो हमें पता है डीमन किंग बैरन के पास एक ब्रेक गॉज होने वाला है, तो उसको ब्रेक करते हुए कॉन्स्टेंटली हमें हराना पड़ेगा. देयर विल बी टू फेजेज एंड वॉबल डेफिनेटली ब्रेक डिपेंडेंट होगा, ठीक है. आपको ब्रेक करना पड़ेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग स्टोन होने वाला है पल्वराइज. अब पल्वराइज आपका ब्रेक डैमेज बढ़ाता है और ब्रेक करने का क्वांटिटी भी बढ़ाता है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग स्टोन होने वाला है. सेकेंड अप हम आएंगे तो वीकनेस डिटेक्शन. नाउ सिंस वी आर यूजिंग विंड एंड डार्क टाइप, क्योंकि वो दो एलिमेंट के अगेंस्ट डिसएडवांटेज रहेगा डीमन किंग बैरन को, यू वांट टू कीप वीकनेस डिटेक्शन इन योर रोस्टर एवरी सिंगल टाइम. क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ बफ मिलता है, कोई भी तरह का लॉस नहीं देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल वहीं अगर मैं कोई दूसरा आर्टिफैक्ट यूज़ करूँ सच एज दिस एडवांस जैगर टेक्निक, देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम द डैमेज यू डील इंक्रीज बाय 14%, यहाँ पे वीकनेस एलिमेंट डैमेज 20%. तो लिटरली दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि एनिमी का 70% से नीचे एचपी होना चाहिए, तो वो एक डिसएडवांटेज होता है, राइट. तो इसीलिए पल्वराइज वीकनेस डिटेक्शन बहुत अच्छा रहेगा. नेक्स्ट अब ब्लड लस्ट. अब ब्लड लस्ट क्या करता है, एनिमी का अटैक को कम करता है और साथ में उनका डिफेंस कम करता है. ये डिफेंस डाउन इज डिफरेंट फ्रॉम शैडो स्टेप वाला डिफेंस डाउन, तो इसलिए ब्लड लस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग स्टोन आपके लिए होने वाला है टू टेक इट इनटू कंसीडरेशन इन दैट फाइट. अगर आपके पास एपिक पे भी है तो चलेगा यार, ठीक है. कमिंग अप नेक्स्ट एडवांस जैगर टेक्निक इज अ वेरी गुड वन. जैसे कि मैं बता रहा था एडिशनल 14% डैमेज डेल्ट, बट आप इसकी जगह डबल एच स्वॉर्ड यूज कर सकते हो, बट इससे एनिमी का भी अटैक बढ़ेगा. कीप दैट इन माइंड डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा लेजेंडरी या एपिक पे है. नेक्स्ट आप स्विफ्टनेस यूज कर सकते हो टू हैव दैट एडिशनल डैश, तो वो डैश का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा. अगर आप मर जा रहे हो बार बार देन यू कैन यूज डेली क्वेस्ट कंप्लीशन, देयर इज नो शेम इन यूजिंग दिस. रीअवेकनिंग इज वन ऑफ द गुड वंस, आपका स्किल कूलडाउन घटाता है जिसका मतलब आप ज्यादा स्किल्स यूज कर पाओगे. शार्प परसेप्शन इज अ गुड वन टू इंक्रीज योर क्रिट रेट बाय 18%, विच इज अ लॉट, ठीक है. तो ये भी बहुत हेल्प करता है आपको इन डीलिंग दोज मैसिव क्रिट हिट्स, ठीक है. तो ये ब्लेसिंग स्टोन्स के लिए होने वाला है. कमिंग अप टू स्किल्स एंड रूनस, तो सबसे पहले मैग्नीफाइंग स्लैशेज एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सिंस वो डार्क से डिसएडवांटेज पे है. तो मैग्नीफाइंग स्लैशेज आपको बहुत हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू डू मैसिव चंक ऑफ डैमेज. नाउ विंड वाला विंड श्राउड भी आप यूज कर सकते हो, बट विंड श्राउड में एक्टिवेट ईच ब्लेड इंक्रीज द डैमेज ऑफ द लास्ट ब्लेड बाई 15%, या आप 6 बार स्टैक कर सकते हो और इंक्रीज अटैक बाय 1.5% स्टैकिंग अप टू 10 times, यानी कि 15% अटैक आप बढ़ा सकते हो. तो ये भी एक बहुत अच्छा रून होता है यूज़ करने के लिए. लेकिन इन दोनों रून को यूज़ करते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि हम ब्रेक नहीं डील कर रहे हैं एनिमी को, इसका मतलब ब्रेक करना पड़ेगा हमें. तो उसके लिए यू कैन यूज़ वैक्यूम वेव. वैक्यूम वेव बहुत अच्छा है क्योंकि एनिमी पे डीबफ लगाता है, यानी कि आपका टारगेट का डैमेज टेकन 10% से इंक्रीज करता है. नाउ सिंस यू आर यूजिंग दिस, ये आपका वर्टिकल आर्ट्स का डैमेज 20% से बढ़ा देता है. देन यू कैन मोनोपोलाइज दैट एडवांटेज बाय यूजिंग दिस वर्टिकल स्ट्राइक, ठीक है. अब ये वर्टिकल आर्ट्स वाला बहुत अच्छा रून है रीप. 4000 लिटरली अल्टीमेट जितना डैमेज है इसका एपिक पे भी, साथ में आपको एक शील्ड देगा, ठीक है, और काउंटर अटैक करेगा एनिमी को. 500% ऑफ संजिन बूस्ट डैमेज, स्टन भी करेगा एनिमी को और कूल डाउन इसका वापस से आ जाता है जब आप एक सक्सेसफुल शैडो स्टेप करते हो. तो इन सभी चीज़ को कंसिडर करते हुए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बो हो सकता है दैट यू कैन यूज अगेंस्ट हिम. नेक्स्ट अप आप यूज कर सकते हो
इरप्शन वाला डेथ डांस टू डील दैट हैवी ब्रेक डैमेज, ये भी आपको बहुत अच्छा एडवांटेज देता है, साथ में डैमेज डील टू बॉस एंड एलीट मॉन्स्टर्स बढ़ाता है। नेक्स्ट अप आप ये डार्क वाला म्यूटिलेट यूज कर सकते हो टू अप्लाई दैट 30% चांस दैट हंटर विल इग्नोर 100% ऑफ द टारगेट्स डिफेंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप यूज कर सकते हो, नॉट द बेस्ट टू बी ऑनेस्ट। तीन ये चार जो मैंने पहले बताया ये बेस्ट हो सकता है आपके लिए। यू कैन इवन यूज दिस वन मल्टी स्ट्राइक, इससे आपको इनविंसिबल मिलता है, मीडियम ब्रेक है दो, बट साथ में संग जिनमु का हर अटैक पे डैमेज 3% से बढ़ता है अप टू 3 times और डैगर टॉस का कूलडाउन हटाता है। डैगर टॉस में कोई डार्क वाला या विंड वाला नहीं है तो इसलिए उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट अब आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, बट ये वीक और हैवी करेगा डिपेंडिंग ऑन जब आप काउंटर अटैक करो, तो क्रशिंग ब्लो वाला उतना अच्छा है नहीं, तो मैं रेकमेंड करूंगा मोस्टली मैग्नीफाइंग स्लैशेज, वैक्यूम वेव, इरप्शन, रीप, ये चार मैं रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। शैडो स्टेप और अल्टीमेट स्किल तो है ही। आर्टिफैक्ट्स में बात करें तो 4-piece कर्स एंड 4-piece एक्सपर्ट इज गोइंग टू बी द बेस्ट। आप चाहे तो विंड वाला लेके जा सकते हो ब्रेसलेट, या फिर आप डार्क वाला ले जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन विच यू हैव द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि हम एक विंड स्किल यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली विंड डैमेज होने से भी कोई उतना कुछ खास मतलब लॉस नहीं है आपको कि डार्क डैमेज होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑल थिंग्स कंसिडर्ड ये होने वाला है बिल्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट वेपन, प्लूम ब्लॉसम इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेपन यहाँ पर, क्योंकि आपको बहुत तगड़ा बफ देता है। डिपेंडिंग ऑन वट एवर एडवांसमेंट यू हैव यू वॉन्ट टू यूज दिस। नेक्स्ट वेपन की बात करेंगे तो इट कैन बी मेनी वेपन्स। मून शैडो अगर आपके हायर एडवांसमेंट पे, तो मून शैडो इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर, नॉट काउंटिंग द न्यू संग जिनवू वेपन जो आ रहा है विंड वाला, ठीक है। बैरेंस डैगर बोलेंगे शायद उसको, तो बैरेंस डैगर अभी हमें नहीं पता कैसा होने वाला है, अगर वो बेटर निकलता है देन विल नो, बट फॉर नाउ मून शैडो इज गोइंग टू बी द बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट की अगर हम बात करें तो इट इज गोइंग टू बी वेस्ट विंड ऑब्वियसली, ठीक है। वेस्ट विंड बहुत ही क्रेजी होने वाला है, वेस्ट विंड इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्री टू प्ले ऑप्शन फॉर माई F2P गाइज आउट देर। आप इसको यूज कर सकते हो विथ योर प्लूम एंड कॉम्बो इट टू डू मैसिव डैमेज ऑन द बॉस, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो शैडो साइथ इज अ गुड ऑप्शन एंड इवन जीक्स फ्रैगमेंट इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन जीक्स फ्रैगमेंट को यूज करने के लिए फिर आपको मून शैडो के साथ यूज करना होगा, क्योंकि हमने टेस्टिंग्स देखी है जहां पर प्लूम और जीक वर्सेस मून शैडो और जीक में जीक को ज्यादा डैमेज मून शैडो के थ्रू मिल रहा था। नाउ कंसिडरिंग ये DPS वेपन है तो, और बैरन के साथ ही आया था, तो ये बैरन को मे भी बहुत अच्छा तरीके से हराने में हेल्प कर सके, नॉट श्योर दो, तो बट कंसिडरिंग ऑल दीज आई विल से जीक्स फ्रैगमेंट इज गोइंग टू बी अ ट्रम्प कार्ड, या फिर बोल सकते हैं जोकर कार्ड हमारे लिए हो सकता है, बट विल फाइंड आउट। फॉर नाउ ये 4-5 वेपन्स आप यूज कर सकते हो, कंसिडरिंग द न्यू विंड वेपन 6 हो जाएंगे लिटरली, जीक्स फ्रैगमेंट, वेस्ट विंड, साइथ, प्लूम, मून शैडो एंड द बैरन्स डैगर। तो 6 वेपन्स है जो आप यूज कर सकते हो, कंसिडरिंग जो भी हायर एडवांसमेंट में है वो 2 वेपन आप यूज कर लेना। और हाँ, एक और वेपन है जो कि एक और ट्रम्प कार्ड हो सकता है, ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट इट, थैंक गॉड आई रिमेंबर, डीमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड, इसको एक मैसिव बफ दिया जा रहा है, एंड कंसिडरिंग दैट बफ अगर आपके पास ये हायर एडवांसमेंट में, यू कैन इवन यूज दिस वेपन। नाउ कंसिडरिंग ये एक बहुत ही वाइड रेंज में अपना डैमेज करता है डीमन किंग लॉन्ग स्वॉर्ड, कंसिडरिंग जब मॉब्स होते हैं तो ज्यादा हेल्प करता है, नॉट श्योर दो अगर डीमन किंग बैरन सिंगल टारगेट पे इसका उतना अच्छा डैमेज होगा कि नहीं, विल फाइंड आउट व्हेन इट डज कम, तब हम इसको टेस्टिंग करेंगे और आपको बताएंगे प्रॉपर रिजल्ट्स। बट या अभी के लिए ये होने वाला है संग जिनवू के बिल्ड के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट दी हंटर्स, तो देयर इज अ लॉट ऑफ हंटर्स जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो आई विल गो इन सीक्वेंस ऑफ सपोर्ट, ब्रेक एंड देन डैमेज डीलर्स, ठीक है। तो चले चलते बात कर सबसे पहले सपोर्ट के बारे में, तो सपोर्ट में एक बहुत ऑब्वियस एंड बेस्ट ऑप्शन होने वाली है हैन से मी, इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। नाउ कंसिडरिंग आपके पास अगर ये A3 पर भी है देन शी विल बी रियली गुड, क्योंकि ये इमोर्टैलिटी देती है टीममेट्स को, सो संग जिनवू को भी वो इमोर्टैलिटी मिलेगा, बट कंसिडरिंग ये टीम फाइट है तो यहाँ पर ये लाइफलाइन मिलेगा, ठीक है। डिक्रीज डैमेज टेकन, रिस्टोर्स HP और हंटर्स भी रहेंगे, लेकिन हंटर स्टेज भी होगा, कीप दैट इन माइंड। अगर ये वॉबल है तो वॉबल में हमें मल्टीपल स्टेजेस देखने को मिलेगा, डायरेक्ट बैरन पे तो हम जाएंगे नहीं, देयर विल बी मल्टीपल बॉसेस। तो यहाँ पर मैं एक वल्कन के एग्जांपल से समझाता हूँ, ये वाला स्टेज जैसे संग जिनवू का है, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं संग जिनवू स्टेज, फिर फ्लोर 25 जैसे हम एक हंटर स्टेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैन से मी विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग कैरेक्टर, ठीक है, जो कि इमोर्टैलिटी आपको देगी एंड उसके मदद से आपको बहुत अच्छा बफ वगैरह मिलेगा इसके थ्रू, कंसिडरिंग हर वेपन इज ऑल्सो वेरी गुड टू डू इंक्रीज डैमेज टेकन बाय 5% एनिमी पे लगाती है ये, ठीक है। तो
तो वो कंसीडर करते हुए एनिमी पे डीबफ लगाएगी, फिर इसके बफ्स भी बहुत सारे हैं। सो ऑल थिंग्स कंसीडर्ड ये बहुत तगड़ी होने वाली है और इसको आपको ब्लेसिंग देना ऑब्वियसली। नेक्स्ट सपोर्ट कैरेक्टर्स जो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे अगर हम उसकी बात करें तो इट इज़ गोइंग टू बी लीबोरा ऑब्वियसली। ये दो कैरेक्टर हमारे पास, एक डार्क और एक विंड एज ऑफ नाउ, ठीक है, एज ऑफ नाउ यही दो हमारे पास है। इनफैक्ट मैं फिल्टर कर देता हूँ डार्क एंड विंड, ओके, तो यहाँ पर हम फिल्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट अप इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली बोरा, लीबोरा, ठीक है। तो लीबोरा भी बहुत अच्छी डीबफर है, एनिमी पे डीबफ करती है, इंक्रीज डार्क डैमेज टेकन आई थिंक लगाती है थ्रू हर दिस या एलिमेंटल डैमेज और मैजिक एरो फैंटम फॉक्सेस वगैरह वगैरह जो भी इसके हैं। तो ये बहुत अच्छा करती है इन टर्म्स ऑफ डीबफर टू द एनिमी और टीम को भी थोड़ा बहुत बफ करके अच्छा डैमेज करती है। ये सेमाई डीपीएस बोल सकते हैं इसको, सेमाई डीपीएस सपोर्ट कैरेक्टर, तो ये भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है इन दिस फाइट अगेंस्ट डीमन किंग बैरन। तो ये दो सपोर्ट कैरेक्टर है जो कि स्पेसिफिक टू द एलिमेंट्स है। अब अगर आप नॉन एलिमेंट्स में बात करो देन यू कैन ऑल्सो यूज मेलिन फिशर एंड मिन ब्योंग गु। मुझे लग रहा है ये दोनों भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इन दिस फाइट। एंड अगर आपके पास जो हायर एडवांसमेंट में कंसिडरिंग वट एवर हायर एडवांसमेंट्स यू हैव आप उन सपोर्ट कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग ओवर एट ब्रेक, तो यहाँ पर ये एलिमेंट स्पेसिफिक होने वाला है। हमारे पास एज ऑफ नाउ तीन ब्रेक कैरेक्टर है फॉर दिस स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट के अगेंस्ट वीकनेस है उसको। तो ये होने वाले हैं वूजिनचुल, लिमटेग्यू एंड हार्पर, ठीक है। तो कंसिडरिंग द ब्रेक, मेरे हिसाब से इन तीनों में से जिसके भी आपके पास हायर एडवांसमेंट्स है आप तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, तीनों ही बहुत अच्छे से ब्रेक करेंगे, ठीक है, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें शार्लेट की, इफ़ यू हैव अ डीपीएस शार्लेट और आप शार्लेट को एज अ मेन कैरेक्टर यूज़ करने वाले हो टू डिफीट बैरन, देन एंड देन हार्पर का ए थ्री होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज डैमेज डेल्ट बाय 60%, ये सब जो भी है ये सब मिला जुला कर ये बहुत अच्छा डैमेज करेगी एनिमी को। बट या आई थिंक ब्रेक के लिए तो आपको A1 ही चाहिए, अदरवाइज आपको A5 चाहिए, A1 और A5। तो कंसिडरिंग दैट, या A4 भी अच्छा बफ देता है डिफेंस एंड HP, तो हर शार्लेट एडवांसमेंट्स का फ़ायदा लेती है। तो कंसिडरिंग दैट अगर आप शार्लेट को मेन डिपेस करो तो हार्पर विल गिव मोर बेनिफिट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ऑब्वियसली आप इन दोनों से अपना काम चला सकते हो एनी डे, ठीक है। और इनके लिए रिकमेंडेड आर्टिफैक्ट्स होने वाला है ग्रीड, ऑब्वियसली फॉर आर ब्रेकर कैरेक्टर्स इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रीड। सो ये तीन कैरेक्टर्स है जिनको आपको ग्रीड देना है स्पेसिफिक टू दैट डिफेंस HP एंड अटैक रेस्पेक्टिवली, ओके। नाउ अब हम आते हैं DPS पे, तो वी हैव 6 DPS एज ऑफ नाउ, ठीक है। Starting from the best, Charlotte. Charlotte is going to be the best DPS character for Demon King Baron. Now, I know it will upset a lot of you guys, क्योंकि बहुत लोगों ने लोली को पुल नहीं करा, but second best भी बहुत close है, काफ़ी कांटे की टक्कर है। So वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना इसके काम नहीं चला सकते। You can always, always make do without a character, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ये कैरेक्टर अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सो डेफिनेटली शार्लेट इज गोइंग टू बी द बेस्ट, बट सेकंड बेस्ट पे आती है। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर आर्टिफैक्ट, ऑब्वियसली डिफेंस बेसिस पे आपको कर्स देना है, टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो, आप वो देख सकते हो विच आर्टिफैक्ट टू गिव। नेक्स्ट आती है एममिया मिरेई, अब ये आपकी बहुत तगड़ी डीपीएस होने वाली है। आई होप यू हैव हर एट A3 मिनिमम, क्योंकि A3 पे बहुत क्रेजी हो जाती है, A5 पे तो आप इजीली कर लोगे, चीज करोगे आप इस कंटेंट के थ्रू। हर सर्वाइवेबिलिटी माइट बी समथिंग जो प्रॉब्लम दे सकता है हमें डाउन द लाइन, बट हैंडसेमी अगर है तो उसके साथ एममिया को सर्वाइवेबिलिटी का उतना सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और MP का भी उतना सोचना नहीं पड़ेगा, तो वो सोच समझ के एममिया मेरे विल बी रियली गुड। नेक्स्ट अप लीबोरा आने वाली है, तो लीबोरा विल बी अ रियली गुड डी बफर DPS, तो ये सेमी DPS बन सकती है, तो आप इसको टीम में ले जा सकते हो। यू कैन डू समथिंग लाइक शार्लेट, लिम एंड बोरा, या फिर यू कैन डू समथिंग लाइक लिम, बोरा एंड एममिया, बट फिर आप हीलिंग को भूल जाना, हीलिंग को टाटा बाय बाय कर देना। ब्रेकर तो ऑब्वियसली आपको चाहिए, यू कैन यूज वूजिनचुल, एममिया एंड बोरा एज वेल, तो कोई भी कॉम्बो कर सकते हो आप बिटवीन दीज। नेक्स्ट सिल्वर मेन बेक, बहुत बेकार है, सर्वाइवेबिलिटी बहुत बेकार होने वाला है इसका इस फाइट में, तो मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करूँगा,
बट आई विल टेस्ट इट आउट, मैं देखूंगा इस कैरेक्टर से क्लियर करने का. आई विल मेक डिफरेंट वीडियोस बेस्ड ऑन एवरी सिंगल टीम ऑन बैरन. सब टीम के साथ हम हरा के दिखाएंगे आपको किस टीम के साथ बेस्ट जाता है. वो टाइमर भी हम बताएंगे विद अ प्रॉपर टेस्टिंग. सो मेक श्योर यू वेट फॉर दैट. जब वो आएगा थर्सडे को विल डू दैट. ठीक है, नेक्स्ट अप वोंग डोंगसू. आई डोंट थिंक ही इज ऑफ एनी यूज हियर व्हाटसोएवर. तो इसको तो भूल ही जाओ. फॉरगेट दैट दिस कैरेक्टर इवन एग्जिस्ट अंटिल इसको कुछ ढंग का बफ मिले. एसआर की बात करें तो एसआर उतने ज्यादा यूजेबल नहीं होने वाले हैं यहां पर. ठीक है, तो ये रहेंगे कैरेक्टर्स कुछ जो आपको बिल्ड करने हैं फॉर दिस फाइट स्पेसिफिकली. अब आपको सिर्फ एक ही टीम चाहिए. मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम लिए, आपको लेकिन सिर्फ एक टीम चाहिए. अब अगर हम बात करते कुछ और एडवांस चीज के बारे में, तो बात करते दूसरे एलिमेंट के हंटर्स के बारे में जिनको आप यूज करके मे बी बैरन को हरा सकते हो. बट वो चांस बहुत स्लिम होने वाला है. अलीसिया एंड शाहिन की मैं बात कर रहा हूँ. वेरी लिटिल चांस दैट दे विल बी प्रॉपरली यूज इन दिस फाइट. मुझे नहीं लगता है दोनों यूज में आने वाले हैं. सो यार, इस चीज को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली आपको उन्हीं को बिल्ड करना है जिनको मैंने सजेस्ट करा है. सो विद दैट एंड दिस वीडियो हियर, व्हाट आर थॉट्स एंड ओपिनियन, लेट मी नो कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आप प्रिपेयर कर लो यार, अभी बैरन आने ही वाला है. इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर. सो प्रिपेयर दीज कैरेक्टर्स जो मैंने आपको मेंशन करा. एंड आई होप डे वन पे आप बैरन को इस गाइड के थ्रू हरा लोगे एंड यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाट्सएवर. सो या विद दैट, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया तो. मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, अराइज़.